I want to know right now what's the progress in this case. कमिश्नर ने डरते हुए कहा, सर अभी तक हमें टंटा की एग्जैक्ट लोकेशन का पता तो नहीं चल पाया है, बट आई डोंट नो हाउ यू विल डू, बट आई वांट टंटा बिल इन माय फकिंग जेल एट एनी कॉस्ट. गेट देम एज सून एज पॉसिबल. कैप्टन ओड्रम की इस लताड़ के बाद खंडवा के डिप्टी कमिश्नर को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि टंटा भील कोई मामूली आदमी नहीं जान पड़ता. कमिश्नर का सोचना भी सही था, क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया की 565 रियासतों में सम्राटों, निजामों और पेशवाओं में भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि ब्रिटिश क्राउन से नज़रें उठाकर बात तक कर सके. वहीं दूसरी तरफ एक 5 फुट 3 इंच का दुबला पतला सा दिखने वाला टंटा भील पूरी ब्रिटिश हुकूमत को मूझ प्रताव देकर ललकार गया. टंट्या, दोलिया और बिजनिया, ये तीनों अच्छे से जानते थे कि अगले दिन पक्का हमें सजा होने वाली है. आज की रात के लिए इन तीनों को खंडवा सेंट्रल जेल की एक काल कोठरी में डाल दिया गया. आज की रात तीनों के लिए परीक्षा की रात होने वाली थी. कारागार के एक कोने में पीठ टिका कर बेटा टंट्या सोचने लगा, हाथ में सिर्फ आज की रात है, कल जज साहब हमें सजा सुना देंगे, इसके बाद हमें किसी दूसरी जेल में डाल दिया जाएगा, इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा. और उसने दोलिया की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया. टंट्या के एक इशारे पर उस रात खंडवा सेंट्रल जेल में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने ब्रिटिशर्स की नींद उड़ा दी. दोलिया और बिजनिया उस काल कोठरी की टोह में लग गए. यह काल कोठरी चूने और पत्थर की दीवारों से बनी थी. उन्हें ऊपर की ओर एक छोटी सी खिड़की दिखाई पड़ी. फिर क्या था, जल्दी से टंट्या अपने घुटनों पर बैठ गया और हाथ आगे की ओर टिका दिए. धोलिया उसकी पीठ पर चढ़कर अपने नाखूनों से खिड़की के आसपास का चूना खुदने लगा. 2-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खिड़की के आसपास का चूना हटते ही बिजनिया ने एक ही झटके में खिड़की को अंदर की ओर उखाड़ लिया. उस सुराख से किसी तरह तीनों मशक्कत करते हुए बाहर निकलने में कामयाब हो गए. जाते जाते उन्होंने पास वाली बैरक भी तोड़ दी जिसमें 5 कैदी बंद थे. सभी 8 लोग किसी तरह छिपते छिपाते बाहर वाली दीवार के करीब पहुंचे. दीवार काफी ऊंची थी, इसलिए उन्होंने कंबल और अपनी धोतियों को आपस में जोड़कर एक रस्सी का जुगाड़ किया. एक दूसरे के कंधे और रस्सी का सहारा लेकर एक एक कर 7 लोग दीवार की दूसरी तरफ उतर गए. एक जिम्मेदार सरदार की तरह सबको पार करने के बाद अंत में टंट्या भी दीवार पर चढ़ गया. दीवार पर खड़े होकर टंट्या भील ने मूछ पर ताव देते हुए पुलिस को ललकारा और एक जोरदार आवाज लगाई. टंट्या भील जा रहा है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो पकड़ के दिखा. इस बेरहम जमाने ने गरीब मजदूर को बागी बना डाला. टंट्या की गर्जना सुनकर खंडवा सेंट्रल जेल का इमरजेंसी सायरन बजने लगा. पुलिस वालों को राइफल्स लेकर अपनी ओर निशाना साधते हुए देख टंट्या ने बाहर की तरफ छलांग लगा दी. नीचे खड़े उनके साथियों ने टंट्या को अपने हाथों पर कैच कर लिया और इस तरह अंधेरे का फायदा उठाकर टंट्या अपने 7 साथियों के साथ जंगल की ओर भागने लगा. खंडवा सेंट्रल जेल के जेलर ने सभी थानों को तुरंत तार भेजा और तत्काल चारों ओर नाकाबंदी करके पूरा इलाका सील कर दिया. लेकिन पूरी खंडवा जिले की पुलिस को चकमा देकर टंट्या भील फरार हो गया. टंट्या ने इस तरह खुल्लम खुल्ला चुनौती देकर अंग्रेज सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा मारा था. कैप्टन ओट्रम ने तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें खंडवा के डिप्यूटी कमिश्नर के साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद थे. मीटिंग में ओट्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर था. उन्होंने खंडवा के डिप्यूटी कमिश्नर से इस स्केप के बारे में जवाब मांगा. डिप्यूटी कमिश्नर इज लाइक, सर वी आर ट्राइंग हार्ड टू गेट देम बैक बट टंट्या इज सो क्लेवर. टंट्या इज द फकिंग पुअर व्हील एंड ही वाज द लेबर एंड लुक हु यू आर कमिश्नर. आई वांट टू नो राइट नाउ व्हाट इज द प्रोग्रेस इन दिस केस. कमिश्नर ने डरते हुए कहा, सर अभी तक हमें टंट्या की एग्जैक्ट लोकेशन का पता तो नहीं चल पाया है, बट आई डोंट नो हाउ यू विल डू, बट आई वांट टंट्या भील इन माय फकिंग जेल एट एनी कॉस्ट. गेट देम एज सून एज पॉसिबल. कैप्टन ओड्रम की इस लताड़ के बाद खंडवा के डिप्टी कमिश्नर को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि टंट्या भील कोई मामूली आदमी नहीं जान पड़ता. कमिश्नर का सोचना भी सही था, क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया की 565 रियासतों में सम्राटों, निजामों और पेशवाओं में भी इतनी जरूरत नहीं थी
कि ब्रिटिश क्राउन से नजरें उठाकर बात तक कर सके। वहीं दूसरी तरफ एक 5 फुट 3 इंच का दुबला पतला सा दिखने वाला टंटा भील पूरी ब्रिटिश हुकूमत को मूझ प्रताव देकर ललकार गया। इस सोच में डूबे कमिश्नर साहब की बोगी कब उनके ऑफिस के सामने तक आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। साहब एकाएक बोगी से उतरे और बोले, राम सिंह, आई नीड फैक्स मशीन राइट नाउ, ब्रिंग इट फॉर मी क्विक। हाथों हाथ कई जगह तार भेजे गए, अपने जासूसों को भी कड़ी हिदायत दी। कमिश्नर साहब ने पूरे स्पाई नेटवर्क को एक्टिवेट करते हुए हाई अलर्ट पर कर दिया और कहा, नए लोगों को काम पर रखना है रखो, और भीलों को जासूसी पर लगाना हो जो करना है वो करो, पर टंटे का पता लगाओ। उधर पुलिस चारों ओर टंटे की तलाश कर रही थी और ये खबर होलकर दरबार में पहुंच गई। उस समय इंदौर दरबार पर महाराजा श्रीमंत शिवाजीराव होलकर विराजमान थे। महाराज ने अपने एक दरबारी कैप्टन मोहम्मद खान से पूछा, खान साहब, कौन है ये टंटे भील, बड़ा शातिर मालूम होता है। कैप्टन खान जवाब देते हुए बोले, श्रीमंत, खंडवा का एक मामूली भील है, सुना है जमीन छीन गई और सीपी के साहूकारों ने बहुत जुल्म किया तो बागी बन गया। खैर जो भी हो, गोरों के खिलाफ काम कर रहा है तो ठीक ही है, हम भी तो यही चाहते हैं, महाराज ने आशापूर्वक जवाब दिया। इसी तरह आसपास की रियासतों में भी पहली बार टंटिया का नाम सामने आया। मकड़ाई रियासत के राजा लच्छू शाह हटिया राय, घाटाखेड़ी रियासत के राजा तखत सिंह इत्यादि ने पहली बार टंटिया के बारे में सुना और सराहना की। अब सवाल ये उठता है कि चारों तरफ टंटे भील का नाम फैल रहा था, पर आखिर टंटे भील है कहाँ? चलिए वो भी बता ही देते हैं। खंडवा जेल तोड़ने के बाद टंटे अपने 7 साथियों के साथ सतपुड़ा रेंज में कई दिनों तक भूखा प्यासा भड़कता रहा। अब तक उसके गिरोह में 20 बागी जुड़ चुके थे। ये लोग जंगलों में यहाँ से वहाँ ठिकाने बदलते रहते थे। भूख से व्याकुल ये लोग छोटी मोटी चोरियाँ करने लगे। खरगोन जिले के झिरनिया के करीब एक बिलखेड़ गाँव है, उस गाँव के पास जंगल में एक गुफा है, वहीं टंटा का ठिकाना था। शाम का समय हो रहा था, सूरज भी धीरे धीरे बादलों के आगोश में समा रहा था, हल्का हल्का अंधेरा पसर रहा था। टंटे अपने साथियों के साथ गुफा में ही बातचीत करते हुए तमाखू रगड़ते हुए अपने एक साथी से बोला, अरे नानकू, आज कुछ खाने का इंतजाम है या आज भी इन्हीं जंगली फलों से काम चलाना पड़ेगा? नानकू कुछ कहता इसके पहले ही दूर से एक आवाज सुनाई पड़ी। सब लोग चौकन्ने हो गए और अपने अपने हथियार टटोलने लगे। तभी गुफा से कुछ ही दूरी पर, आखिर क्या था यह संकेत? कौन आया था गुफा के पास? क्यों सबने अपने अपने हथियार उठा लिए? आखिर क्या हुआ था उस रात? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय जोहर। अरे खुल्लो हो गए जेल है बाप थारो टंकियो यो जेल रे वो बाप थारो टंकियो ये जेल रे वो बाप थारो टंकियो यो जेल रे बाप थारो टंकियो यो